जब कोई कहता है ना कि बिहार बहुत ही खराब स्टेट है, गंदा स्टेट है, और ये तस्वीर जब दिखा देती है ना, तो मैं सिर्फ उससे एक ही बात कहता हूँ कि आपने शायद बिहार को देखा नहीं है, उसके इतिहास को नहीं पढ़ा है। वो बिहार जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक बिहारी हूँ, और उस बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ की लाइब्रेरी में रखे हुए 90 लाख किताब जल के राख हो गए, वो भी 3 महीनों तक जलते रहे। कितनी बड़ी थी वो बिल्डिंग। तब वो लोग कहता है, अच्छा वो बिहार जहाँ ये सब इतनी बड़ी धरोहर थी, हमें तो अंदाजा ही नहीं थी। दोस्तों, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत बहुत बड़े लोग पैदा हुए, आगे बढ़े, अपने लाइफ में कुछ ग्रेट सक्सेस कर पाए, बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की, और कुछ कुछ ऐसे ही काम की। लेकिन 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 नालंदा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो प्राचीन काल में सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वो यूनिवर्सिटी जहाँ की देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे, जिनको की 2000 टीचर 10,000 स्टूडेंट को गाइड करते थे, वो यूनिवर्सिटी जिसकी 90 लाख किताब यूं ही जल गई, पांडुलिपियां जल गई, बुक्स जल गई, वो भी तकरीबन 3 महीने तक उसकी लाइब्रेरी जलती रही, वो नालंदा की मैं बात कर रहा हूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ के प्रमुख आचार्य हुआ करते थे आचार्य चाणक्य, वो यूनिवर्सिटी जहाँ से की बहुत बहुत दिग्गज निकले, वो यूनिवर्सिटी जहाँ यंग साइंस, बहुत सारे ऐसे चाइनीज इंसान जो एडमिशन कराने के लिए सपने ही देखते रह गए, बहुत ऐसे इंसान जो सिर्फ एडमिशन होने के बावजूद भी अपने आप को खुशनसीब महसूस करते थे। मैं उस नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी जो देश विदेश में सबसे फेमस था और दुनिया का सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी था, वो यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। वो यूनिवर्सिटी जहाँ की रहने की व्यवस्था थी, उस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सेक्युलरिज्म की बात अगर की जाती है तो इस बिहार पे एक पर्दा क्यों नहीं डाला जाता है। दोस्तों, देश विदेश के सभी नामों को बदला गया हमारे देश में, जैसा कि आपको पता होगा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर नाम रखा गया, लेकिन इस बिहार को तो कोई देखने वाला है नहीं। लेकिन जब बिहार की अगर बात आ जाए ना, तो ये सेक्युलरिज्म पूरा मान जाता है। नाम तो बदला गया, लेकिन इस बिहार के वो बख्तियारपुर जंक्शन का नाम क्यों नहीं बदला गया। बख्तियार खिलजी वो इंसान था जिसने सन 1193 में ऐसे ज्ञान रूपी उपहार यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस करवा दिया, उसके नाम पे फिर जंक्शन या शहर का नाम रखना गलत नहीं होगा। अगर ऐसी होती, अगर ऐसे हत्यारे के नाम पर अगर शहर का नाम रखा जाता है, तो आज गुजरात का नाम मोहम्मद गजनवी के नाम पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि उसने भी 17 बार लूटपाट की थी इस गुजरात में। सो इस बिहार के साथ ऐसा क्यों? क्या आप अपने आप को एक अच्छा हिस्टोरियन मानते हैं? अगर आप में थोड़ा सा भी अगर आप सही तरीके से इतिहास को पढ़े, तो क्या आप ये सोचिए कि बिहार के जंक्शन का नाम बख्तियारपुर जंक्शन या बख्तियारपुर शहर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने जो बर्बाद किया देश के, उसी के नाम पे शहर का नाम रखना, ये कौन सी भलाई है। इसलिए जल्द से जल्द इस नाम को बदला जाना चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज से मोटिवेट होंगे, क्योंकि जो हत्या करवाया, बर्बाद करवा दिया, जब उसके नाम पे शहर बसाया जा सकता है, तो चलो और लोग निकलेंगे उस क्षेत्र में। सो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और जब बिहार की बात बदलने की आती है नाम, तो क्या आता है? सेक्युलरिज्म बुरा मान जाएगा। और इन खिंजवियों को मार भगाओ दोस्तों, और इन खिंजवियों का कोई काम नहीं है, इनको मार भगाओ, जो देश की बर्बादी चाहते हैं, इस शहर की बर्बादी चाहते हैं, राज्य की बर्बादी चाहते हैं। हमें नहीं पसंद वैसे लोग जो जंग में भी चालाकी जिसको निशाने पे रखते हैं, बताकर रखते हैं। सो अगर आप भी हो एक सच्चे इंडियंस और बिहारी, तो इस नाम के ऊपर आवाज उठाए कि इसको बदला जाए। सो आशा करूंगा आप भी मेरे तरह सोच विचार करेंगे इस बात पे, और मेरी जो राय थी, ओपिनियन थी, वो मैंने दिया कि ऐसे बिहार को बर्बाद करने वाले के नाम पर शहर का नाम रखना अच्छा है क्या? नहीं। सो आप अपनी राय दीजिए, हमने तो अपनी राय एक्सप्रेस की। सो जय हिंद और वंदे मातरम।